ज़्यादा पानी पीने वाले हो जाएं अलर्ट, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आपकी जान तक जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पानी का ज़्यादा सेवन आपके लिए एक्चुअल में जानलेवा हो सकता है। सो आज के आज हमें ये नोटिस करना होगा, एनालाइज करना होगा कि कहीं हम बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं पी रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हेल्दी रहने के चक्कर में, फिट रहने के चक्कर में, वेट लॉस के चक्कर में काफ़ी सारा पानी अननेसेसरी पिए जाते हैं। सो ये चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअल में एक बीमारी है जो कि आपकी जान तक ले सकती है। सो क्या है ज़्यादा पानी पीना, यानी कि ओवर हाइड्रेशन जो टर्म है कब यूज़ होता है? जब हम अननेसेसरी बिना प्यास लगे काफ़ी सारा पानी पिए जा रहे हैं, और अगर हम अपने यूरिन के कलर को नोटिस करें तो वो पेल येलो नहीं है, लगभग वाइट की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स अब बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा पानी पीने से होगा क्या? आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। उनका बैलेंस बिगड़ने से क्या होगा? हमारी बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो भी मिनरल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ सोडियम, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है सोडियम, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में, अगर ब्लड में कम हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि ये जो सोडियम होता है ना, हमारी बॉडी के हर सेल में वाटर कंटेंट को कंट्रोल करके रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उसको नॉर्मल रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ये कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, इवन जानलेवा हो सकता है। सो अब हम समझते हैं इस सिचुएशन को कहा क्या जाता है। दोस्तों इस सिचुएशन को कहा जाता है हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि इस बीमारी को हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है, जिसमें हमारा ब्लड सोडियम लेवल इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि हमारे ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है और इंसान कोमा तक में जा सकता है, इंसान की जान तक जा सकती है। अब हम समझ लेते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षणों के बारे में। आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया हुआ है? यानी कि अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो वो है कुछ ऐसे लक्षण। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ओवर द टाइम कॉन्टीन्यूसली आप बहुत ज़्यादा थके महसूस करते हैं, अगर आपको भूख कम लगती है, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, आपको खाना खाने के बाद जनरली उल्टी आ जाती हैं, आपको कभी कभी चक्कर आने लगे हैं, आपकी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, देन ये प्रॉब्लम हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। बेसिकली हाइपोनेट्रीमिया दो तरीके का होता है, यानी कि अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो दो टाइप्स होते हैं। पहला है अक्यूट एंड दूसरा है क्रोनिक। अगर ये क्रोनिक है दैट मीन्स हमारी बॉडी में जो सोडियम का लेवल है वो धीरे धीरे 48 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा टाइम लेता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। लेकिन जो अक्यूट है, अक्यूट वाली सिचुएशन में अचानक से बॉडी में सोडियम का लेवल इतना ज़्यादा गिर जाता है कि हमारी ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है एंड इंसान ऑल ऑफ सडन कोमा में चला जाता है, और कई बार इसमें पेशेंट की जान तक जा सकती है। सो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है एक्चुअल में कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड पानी पी रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो अब आपको पता है कि आपको कितना पानी पीना है और कितना पानी नहीं पीना है। ये पानी जो कि हमारे लिए जीवन है, हमें जीवन दे भी सकता है, लेकिन अगर यही पानी ज़्यादा हो जाए तो ये हमारा जीवन ले भी सकता है। यानी कि हमें चीज़ों का बैलेंस रखना आना चाहिए। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, एक बैलेंस में लेके चलेंगे। ज़्यादा पिएंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, कम पिएंगे तो भी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होने वाली हैं। सो हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और डाइट के लिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस टाइम में खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी राइट अमाउंट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों अगर ये सिम्टम्स आपको अपने आसपास कहीं दिखते हैं तो आप उन्हें तुरंत सजेस्ट करें, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट लें, अदरवाइज़ उनकी जान तक जाए। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों एंड रिलेटिव्स के साथ, और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।